हम सब आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि पूरे तौर पर एकजुट रहिए। इधर उधर का लोग आकर के जो कुछ भी करेगा, और मुंगेर जिला बताइए, मुंगेर कितना ऐतिहासिक जिला है, इसका हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं हर दृष्टिकोण से इसका ध्यान। तो एक एक तरह का काम यहाँ के लिए भी जो काम संभव है वो सब काम हम लोग कर रहे हैं, और जो हमने आपको सिंचाई के बारे में बता दिया है उसके लिए भी सारा सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए हम आप सब लोगों को इतना ही आश्वस्त करेंगे कि आप जो काम हो रहा उस पर ध्यान रखिए, काम की और जरूरत है उसको भी हम लोग ध्यान दे करके पूरा करने की कोशिश करेंगे, और बिहार को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, और देश की तरक्की में भी बहुत बड़ा सब कुछ होने वाला है। और इतना तो बात साफ है, हमारे साथी आए, आप बिहार का तो काम कर ही रहे, और देश से भी जो काम हो रहा, कितने तरह से काम हो रहा है आप सब लोगों को मालूम है, हर प्रकार से पूरे तौर पर जितना भी संभव है केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जाता है। किसानों को कितनी बड़ा मदद हो रही है जरा बताइए, हर साल 6,000 रुपया उनको मदद कर रहे, कौन कौन काम केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। अभी जिसकी हमने चर्चा की, कितना ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है, टीकाकरण हो रहा हुआ है कहीं, इतना जरा गौर करना चाहिए। कुछ लोग बोलते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, जरा गौर से देखिए कि जितना ज़्यादा बिहार में केंद्र सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री ने काम किया, आप जरा बताइए दुनिया के किस देश में इतना ज़्यादा काम किया गया है लोगों को बचाने के लिए कोरोना से और टीकाकरण से। तो इन सब चीज़ों को देखिए, हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को बहुत आगे बढ़ाना है, और सबको मिलजुल करके समाज के किसी तबके की उपेक्षा नहीं करनी है, समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव पैदा हो। ये लोग तो वोट लेते रहते हैं, लेकिन जरा पूछिए ना कि जो झगड़ा झंझट होता था उसके लिए कुछ करते थे, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, वोट देना तो आपका अधिकार है, हम तो वोट मांगने आए हैं, देना ना देना आपका अधिकार है, लेकिन नहीं भी देंगे तो भी तो हमारा जो काम है सब देख लीजिए क्या स्थिति हुई अल्पसंख्यक समुदाय की, समाज के हर तबके के लिए हमने जिसका जिक्र किया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, समाज के हर तबके के लोगों के लिए किसी की उपेक्षा की गई, सबका काम किया गया, सबके उत्थान के लिए प्रयास किया गया। अब पहले जो होता था भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि किस तरह से लोग क्या स्थिति का सामना करते थे, और अब की स्थिति में सब पर ध्यान देना, सबको आगे बढ़ाना, ये हम लोग अपना कर्तव्य मान करके चल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। अब आपका फर्ज है, मालिक को आप, जनता मालिक, ये सोचना है। हम तो आपके बीच में आए हैं, हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं राजीव जी, इनको आप विजयी बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी की बात होगी। तो यही हम आप सबसे अनुरोध करने आए हैं, सारे NDA के लोगों ने आकर के यहाँ पर एक एक बात कह दी आपके सामने, तो हम क्या उम्मीद करके जाएं, जिताइएगा भाई राजीव कुमार सिंह को, आप उठा के बताइए। ये उपचुनाव हो रहा है, आपने तो 5 वर्ष के लिए सुरेंद्रवाल चौधरी जी को बिहार विधानसभा का सदस्य नियुक्त किया था, लेकिन भगवान को बाबा भोले को मंजूर नहीं हुआ, और समय से पूर्व वो हम लोग के बीच नहीं रहे, ये काफ़ी दुखद घड़ी है। और अभी NDA गठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं राजीव कुमार सिंह जी, ये आपके लिए कोई नए उम्मीदवार नहीं है, ये पुराने उम्मीदवार हैं, पुराने वर्कर हैं, इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत कम मतों से हारे थे, बहुत ही मृदुभाषी हैं, जन जन के ये नेता हैं, और सभी लोग आप इनको जानते हैं। 30 तारीख को चुनाव है, अब बिहार के जो हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री जी हैं उनके संबंध में
सभी लोगों ने अपनी बात कही, उनके संबंध में पूरे बिहार की जनता जानती है, वो विकास पुरुष है। पंचायत के चुनाव में महिलाओं का आरक्षण हो, सरकारी नौकरी में महिलाओं को नौकरी में आरक्षण मिले, गरीब शोषित पिछड़ों को आरक्षण मिले, दलित महादलित में जो दूरी थी उसको इन्होंने एक किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना का महामारी पूरे देश में फैला, पूरे विश्व में फैला, उसमें बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही लगन से इन्होंने बिहार से जो हमारे बाहर मजदूर काम करते थे वो लोग आए, उनको सम्मान बिहार में स्थान दिया गया, उनके खाने की व्यवस्था की गई, उनके रहने की व्यवस्था की गई, उनके दवाई की व्यवस्था की गई। और आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो टीकाकरण हो रहा है उसमें कल तक का जो आंकड़ा है 1,02,00,000 लोग को टीका लगाया गया है। उसमें बिहार भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, बिहार भी अन्य राज्यों से बहुत ही आगे है। और बिहार में जितना भी सुविधा मिलनी चाहिए वो काफ़ी सुविधा मिला है। गैस पंप, ऑक्सीजन प्लांट खोला गया है, गरीबों की बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने पोशाक की व्यवस्था की, साइकिल की व्यवस्था की, आज हमारी बेटी बहने स्कूल जाती हैं, पढ़ती है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। आप 1990 से लेके 2005 का समय देखिए, जो पति पत्नी का समय था उसको याद है कि उसमें BBC से कर समाचार आता था कि चलो बिहार घोटालों के राज में। उस जमाने में पशुपालन घोटाला पर बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये तारापुर की धरती फिर से आपके NDA के प्रत्याशी भाई राजीव सिंह को चुनाव जिताकर यहाँ से भेजने का काम करेगी साथी, क्योंकि आपने लगातार जो बिहार की समस्या है उसको दूर करने का काम किया है। जो मूलभूत समस्या होती है गांव में, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, इन तमाम समस्याओं को दूर किया है। और हम लोगों को जो काम दिया है उसमें आपका जो निर्देश है कि अब जो छूटे हुए लोग हैं, चाहे वो जिसको पानी नहीं मिल रहा हो, घर तक नाली नहीं बना हो, घर तक सड़क नहीं बना हो, उसको भी पूरा करने का काम किया जा रहा है।